मैं अभी जिंदा हूं, चाप का चेला। लक्ष्मी प्रसाद जी मेरे को कुछ दिनों से टेलीफोन पर संपर्क किए, मेरे पास काफी किताब भेजा है, दोनों ने बनाया बहुत अमूल्य किताब, जैसे कि बोल रहे हैं ना जला दे रहा है, ये कर रहे हो, तो जितना कि जला नहीं पाए आपका जो भाषण है, जो मार्गदर्शन है, उनमें सारा रह गया जीवित। तो आज हम सुन रहा था, बोल बोल के तो मैं थक गया है, 76 साल उम्र हो रहा है, 18 साल से ये अछूत लोगों का, ट्राइबल लोगों का मुक्ति का लिए जिस उम्र में जितना समझे उतना सड़क पे, मैदान पे, घर में, केबिन पे बोलते थे। अब बोलने का टाइम नहीं है, अब दद्दू प्रसाद जो मन छेड़ा है वो काम करने है। फिर भी माइक का सामने जब खड़े कर दिए है, कुछ बोलेंगे जो चीज इतने देर बोला जा रहा है उससे थोड़ा हट के उसका ऊपर कुछ बोलेंगे कि ये जो कास्ट बेस्ड जनगणना होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन भी है, और दद्दू प्रसाद ने एक्सप्लेन किया है, किसी ने बोला भी है, अरे भाई जो रिजर्वेशन आप मान रहे हैं नौकरी में, लेजिस्लेचर में, बिजनेस में, सब जगह, तो वहां हमारा पॉपुलेशन कितना है वो नहीं जान पाएगा तो कैसे होगा। और ये कास्ट बेस्ड जनगणना 1931 में लास्ट कास्ट बेस्ड जनगणना, हम लोग कभी सोच के नहीं देखा क्यों है, उसके बाद क्यों नहीं है। एक तो ब्राह्मणवादी ने देखा कि ये कास्ट बेस्ड जनगणना होते जाए तो बार बार उम्र आता है कि वो 3-4% पंडित है, ब्राह्मण है, उसका हक नहीं बनता कि प्रधानमंत्री बने। क्यों? जनतंत्र का मतलब होता है बहुजन तंत्र, यानी रूल ऑफ द मेजॉरिटी। कंट्री में जिनका संख्या सबसे ज्यादा है 51 से ज्यादा, साहब कहते थे मैजिक फिगर 30%, जिसका पास 31% का वोट हो गया, नहीं तो एमएलए हो गया, वो तो राज करता है, यानी शंखा भारी का। तो शंखा उनका 4%, 3%, तो ये घूंघट फट जाता है, उसको राज करने का अधिकार नहीं। मैं बंगाल के बारे में थोड़ा बोलेंगे, बंगाल में आज का बंगाल जो मुसलमान को एक राज दे दिया बड़ा बांग्लादेश, उसके बावजूद आज सही तरह से सेंसस किया जाए तो मुसलमान होगा 40%। बोलिए बैनर्जी, कोई भी बैनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ब्राह्मण कैसे वहां राज करता है? हम दरिद्र बोले, शिक्षित बोले, थोड़ा गड़बड़ है उसमें, भारी गड़बड़। बाबूजी को जब बोला जाता था, बाबूजी आप ये कास्ट विलोप का बारे में, शिक्षित के बारे में ये क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस के साथ? बोले देखो शेड्यूल का
कोई एक कौम नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा एक जगह हुआ। बंगाल में दलित भी 35 से 40 प्रतिशत है, पर टुकड़ा टुकड़ा है, पर मुसलमान तो एक होता है ना। कोई मरता तो सब चलते हैं, कहीं नमाज होता है तो सब इकट्ठा होते हैं, पर वहां एक कास्ट बेस्ड जनगणना शुरू हो जाए तो वो लोगों का हर कंपन शुरू हो जाता है, हम तो बहुत जबरदस्त माइनॉरिटी। और उसमें एक बात आज आलोचित हो रहा है, ये जो दिया है क्या है 120, हाँ आरक्षण की 120 साल पूरी हो रहा है, क्योंकि शाहू महाराज अपना कंट्री में एक अलग राज था, वो भारत नहीं था, इंडिया नहीं था, ब्रिटिश भारत नहीं था, उनका राज में उनका जो कौम है बैकवर्ड उनको लिए 50% आरक्षण, वो भी लंदन में जाके घोषित, ठीक है, वो एक शुरुआत तो है ही है, पर रिजर्वेशन की शुरुआत तो पंडित लोग तो हजारों साल से रिजर्वेशन लेके रखा है ना, मंदिर में, बड़े बड़े जायगा में, इवन चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री सारे कंट्रोल करने में उनका रिजर्वेशन है, पर जो रिजर्वेशन आप इस मंच से बार बार प्रैक्टिकली जिक्र हो रहा है कि हमारा शंखा गिना जाए, शंखा का हिसाब से जिसकी जितना भारी शंखा भारी उसकी उतना भारी है। ये रिजर्वेशन 1907 में असम बंगाल गवर्नमेंट पहली बार डिक्लेयर किया, तो आज इसलिए वहां बैठे बैठे सोच रहा था ये देख देख के कि अब हम बंगाल जाके उसका 125 साल का कालगिरा का बड़ा एक मीटिंग हम बुलाएंगे। क्यों? वो एक भयंकर कानून बना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, असम बंगाल गवर्नमेंट। वही असम बंगाल गवर्नमेंट आप सबका इतिहास में जो थोड़ा बहुत ही ज्ञान है उसको पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा करने को उस तरफ का गवर्नमेंट बना असम बंगाल गवर्नमेंट। तो 1907 में वो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल जहां मुसलमान और हम अंडाजेबल ज्यादा होते हैं, वहां का पार्लियामेंट, वहां का असेंबली हमारा कंट्रोल में, कलकत्ता वाले जो ब्राह्मण लॉ है वो बाहर हो गया, तो उस असेंबली में कानून पास हो गया जो हमारा लीडर लोग 1881 से लड़े जा रहे हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लोकी में चाहिए। तो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल्स एक्ट जो कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन थे, उससे पहले ये कानून वहां से डिक्लेयर हो रहा है। कानून का नाम क्या था वो सुन क्या लोग तो हम चौंक जाते, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ असम बंगाल गवर्नमेंट फेब्रुआरी 1907, दिस इज द एक्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, क्योंकि हम कास्ट नहीं थे उस टाइम। ब्रिटिश रिकॉर्ड देख लीजिए 1932 का पहले, जहां लास्ट सेंसस कास्ट सेंसस होता है 31 में,
हम लोगों का कहा जाता था डिप्रेस क्लासेस, हम पास नहीं होते। इसलिए बंगाल में हमारा तो कम्युनिटी हम बोलता है नमोशूद्र कम्युनिटी, कास्ट नहीं बोलते हैं, आज भी नहीं बोलते हैं। तो शेड्यूल कास्ट को हमारा ऊपर थोपा दिया तो हम लिखता है शेड्यूल कास्ट, नहीं तो हमको कोई पूछे जा आपका कौन सा ग्रुप है, हम बोलेगा नमोशूद्र कम्युनिटी। तो वो कम्युनिटी का नाम थे, उसमें मुसलमान कम्युनिटी है, नाई कम्युनिटी है, नमोशूद्र कम्युनिटी है, जितना जिस जितना शंखा वाली उसको उतना भागीदारी का मिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1907 फरवरी असम बंगाल गवर्नमेंट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये जो संरक्षण आज के जमाने में हम शेड्यूल कास्ट बनने को बाद, शेड्यूल कास्ट का मतलब है हम अछूत हिंदू, क्योंकि उससे पहले उना पैक का पहले हम थे डिप्रेस कास्ट। तो गांधी बोला हम जाने नहीं देंगे। अरे तो उसको तो जाने देना चाहिए था कि हम लोग तो अस्पृश्य है, छोने से उसको सब कुछ बिगाड़ जाते हैं, तो घर से निकाल देते उसको, तो बोले बोले करना चाहिए था ये गंदे लोग चले जा रहा। पर नहीं, हमको ऊपर उसका जो शोषण है, दमन है, हमारा लेबर को चोरी करने को उसका संपत्ति बनाना है, वो हमको जाने नहीं देगा, उसको हिंदू बना के रखा है। वही गांधी का जब आवरण अनशन किया था, पॉइंट ब्रिटिश को बोला कि ये पॉलिटिकल ज्यादा नहीं है, ये रिलीजियस मैटर, हम हिंदू हिंदू इसको फोर्स से जाने नहीं देंगे। तो जाने दिया नहीं, तो हम लोग शेड्यूल हिंदू बन के रहे, क्योंकि हिंदू का कास्ट लगता है। तो कास्ट क्या बोले, ये सारे शेड्यूल कास्ट, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में हिंदू में वर्ण व्यवस्था जरूरी है। लॉर्ड कृष्णा ने बनाया है चतुर्वर्ण व्यवहार, तो वर्ण व्यवस्था को कौन सा कास्ट हमको दिया जाए, हमको शूद्र बनाए, हमको खत्री बनाए, हमको क्या बनाए, तो मुश्किल है। तो हमको शेड्यूल कास्ट बना रहता है, तो इस शेड्यूल कास्ट हिसाब से वो दया करके कुछ रिजर्वेशन देता है। हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक से गिना जाए तो अंधाचेबल का पॉपुलेशन कम से कम 25-28% होगी, कम से कम। कुछ तो ऑफिशियली कम कर रखा है, कुछ अनऑफिशियली बड़े कायदे से कर रखा है। एक कायदे का नाम आपको बताता है, जितना माइग्रेंट है अंधाचेबल उसको दूसरा स्टेट में गिनती में नहीं लेता। जैसे दिल्ली का देखिए, लाखों तादाद में ट्राइबल लोग नौकरी करती है करते हैं। जैसे एक नौकरी ले गया मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू, पर उनको गिना नहीं जाएगा। क्या बात, बहुत शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से उनको गिना नहीं जाएगा। क्यों, मैं जॉइंट रजिस्ट्रार जनरल थे, यानी सेंसस डिपार्टमेंट, वह कानून है कि जो बाहर से आया है, दिल्ली में कोई ड्राइव नहीं होता है, तो बाहर से जितना ड्राइव है, चाहे वो मुर्मू हो द्रौपदी नंबर वार्ड, उनको गिना नहीं जाएगा। जैसे वो डॉक्टर थे हमारा राष्ट्रपति काशीराम साहब ने जिसको राष्ट्रपति बनाया था, हाँ नारायण साहब, जिसको पता है वो जानता है, वो साहब ने उनको बनाया था। क्योंकि उन दिनों में साहब को मारने के लिए साहब को बोला कि आप बनोगे, तो धमकी देना हमको क्यों, बंदी बनानी चाहते हो,
ये उपराष्ट्रपति बने हैं, इतना लिख के पढ़े, इनको नजर नहीं आता। तो नेक्स्ट डे उनका काम आ गया। तो उन दिनों में मैं वो वहां थे, अरे जो रजिस्ट्रार जनरल नंबर वन, उन्होंने गए राष्ट्रपति भवन में गिनती करने को। तो जब बोले कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं, बोले सर आपको तो मैं लिख नहीं सकता। क्यों? तो बोले मेरा कास्ट था परावल, जाओ केरल में जाके पूछो शेड्यूल कास्ट नहीं। बोले हां सर वो तो ठीक है, पर यहां आपका जो कम्युनिटी है, कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में नहीं है, तो आपको मैं नहीं लिख सकता, लिखा नहीं। मेरे को भी वही बोला था भाई, जो फेस किया था सेंसस 81 में, मैंने जब बोला मैं शेड्यूल कास्ट हूं, बोले नहीं सर वो नहीं लिख सकते, बोले सर्टिफिकेट दिखा है, बोले नहीं सर वो हम नहीं बोल रहे हैं, पर आपको इस कारण नहीं। तो मैंने बोला मेरा रिलीजियन क्या लिखा है, बोले हिंदू लिखा है, अरे नहीं मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूं, तो मेरा उसमें लिखो मुसलमान है, तो फटाफट तो लिखा, पर मेरा मिसेस का लिखा ये लिखा, मैं थे क्या लिखा है, बोले शेड्यूल कास्ट लिखा, वो फिर मुसलमान का संख्या नहीं बढ़ रहा, वो और खतरनाक। तो अभी मेरा बेटा जम्मू में डीएम था, तो टेलीफोन किया, डैडी तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरे को शेड्यूल कास्ट नहीं लिखता, क्यों? बोले कि लिस्ट में तो आपका नमसूत्र नाम नहीं है जम्मू में। तो मैंने बोला वो ठीक बोल रहा है, तो तुम एक काम करो मुसलमान लिख लो, वहां तो मुसलमान बहुत है ना। तो बोले नहीं मैं एक सोल्यूशन ले लिया। बोले क्या? बोले उन लोगों को पूछा भाई तेरा लिस्ट में कौन कौन है, तो भंगी चमा चुड़ा ये सब है, भाई लिख भाई मैं भंगी हूं, क्योंकि तू तो सिर्फ चाह सके भैया नहीं मांग रहे था, तो मैं भंगी लिखा है तो शेड्यूल कास्ट। तो आप सोच के देखिए, ऐसी जो माइग्रेंट हमारा लोग होता है, इधर का उधर उधर का उधर, तो कितना परसेंट होगा, ये आपका हिसाब से चले गए। और मैं बहुत सारे लोग है जो वो लोग आता है काउंट करने को, पूछता ही नहीं आपको कास्ट क्या है। हाँ, तो वो हिसाब से जाता है। तो इसलिए कास्ट बेस्ड बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज डिमांडिंग, पार्लियामेंट मस्ट बी कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल कम्युनिटी। जब कास्ट एंड कम्युनिटी एक रियलिटी है भारत में, तो उस हिसाब से हर कास्ट हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नौकरी में हो रहा है। तो आज यही डिस्कशन हो रहा है और यही रेजोल्यूशन भी लिया जा रहा है। तो मैं ओ 1907 का एक्ट का जिक्र करते हुए इसका पूरा समर्थन और इसका बेसिक बुनियादी जस्टिफिकेशन देके आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।